नमस्कार श्रोताओं, मुख्य प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। रामलला दर्शन योजना के तहत पहली ट्रेन 7 फरवरी को दुर्ग से रवाना होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में श्री राम उत्सव सबके राम कार्यक्रम में ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बालोद जिले के गुंडरदेही में आयोजित कार्यक्रम में 173 करोड़ रूपये से अधिक के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत सामग्री का वितरण किया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रदेश के सभी 33 जिलों में डायल 112 सुविधा का विस्तार करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के बारे में जानकारी देने के लिए कल 18 जनवरी को रायपुर के शहीद स्मारक भवन में संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह की जयंती आज छत्तीसगढ़ में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर के पंडरी स्थित गुरुद्वारा में आयोजित प्रकाश पर्व समारोह में शामिल हुए। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने आज रायपुर जिले के नेवरा में गांधी चौक स्थित हनुमान और जगन्नाथ मंदिर में झाड़ू लगाकर लोगों को सफाई का संदेश दिया। दंतेवाड़ा जिले में कल शाम सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 5 लाख रूपये का एक इनामी माओवादी मारा गया है। बीजापुर जिले में 2 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित समय सारिणी के अनुसार 12वीं बोर्ड की परीक्षा 9 मार्च से और 10वीं की परीक्षा 11 मार्च से शुरू होगी और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र रायपुर द्वारा 19 जनवरी को नवा रायपुर स्थित कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सेक्टर 25 राखी में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। ये थे अब तक के मुख्य प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।